नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशा दास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि के आदि स्वरूपा या आद्य शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं है, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथ में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन शेर है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल में पितर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की क्रांति प्रभा सूर्य से प्रांति देदित्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता और परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही उनकी सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगते हैं। ये देवी आंतियों व्यंतियों से मुक्त करती है और उसे सुख, शांति और समृद्धि उन्नति प्रदान करती है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपूर्ण का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इनका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर है। माँ कुष्मांडा को इस दिन निवेदन करके 7 जल पुष्प अर्पित करें और आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ के खास निवेदन करके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा के विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने बड़ों से प्रणाम कर प्रसादी वितरित करें।